हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। एक है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ-किशन रिडक्शन। दोनों रिएक्शन साथ पढ़ने का रीज़न यही है कि दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि हम एल्डिहाइड कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं इसमें एल्केन्स में, या हम कह सकते हैं कार्बोनिल को कन्वर्ट करते हैं एल्केन्स में। तो इसलिए इन दोनों रिएक्शंस को हम साथ पढ़ेंगे। पहले हम रिएक्शन देखेंगे, देन हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, वो सिर्फ रिएक्शन ही याद करेंगे, मैकेनिज्म याद करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए आपको लगता है कि रिएक्शन रटने वाली जैसी है, तो एक बार मैकेनिज्म देख लोगे तो तुम्हें फील आ जाएगा कि हाँ हुआ कैसे था, तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म इसकी नहीं आने वाली है। तो देख लेते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्या होता है यहाँ पर, क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल का रिडक्शन करके क्या बना दिए जाते हैं, एल्केन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। नॉर्मली जब कार्बोनिल्स का एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करते हो तो एल्कोहल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ क्या बन जाता है, एल्केन्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन्स में, यानी कि हाइड्रोजन आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि रिएक्शन क्या है। ये है हमारे पास कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी आपको रखना चाहो। कैटलिस्ट है यहाँ पे ZnHgHCl भी लिख सकते हो, जिंक का अमलगम और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH2 में। अब याद करने के लिए मैं समझाऊँ तो तुम ऐसे आ सकते हो, जिंक का अमलगम हमें HCl से हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, तो ये तो H2O बन के बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2। तो ये रिएक्शन समझने के लिए है विदाउट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इसके, फिर मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे कि रियलिटी में क्या है। ZnHgHCl तो क्या होगा फिर बताओ, यहाँ पर CH3H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, दो एच यहाँ दे दो, दो एच यहाँ पर, तो ये H2O बन के बाहर और ये बन जाएगा CH2। अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो हम इसे लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन गया, एक इथेन बन गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, कॉमन नेम बोलूँ तो एसिटिल्डिहाइड, नाम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी रिएक्शन आए तो प्लीज़ नाम ज़रूर लिखेंगे हम, बोर्ड एग्जाम में अगर रिएक्शन आती है तो नाम लिख के आने हैं। इसको भी बना दो, क्या बन जाएगा, CH3 और ये CH2, तो प्रोपेन बन गया। आगे रिएक्शन समझ में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्डिहाइड लो या फिर कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन्स में, तो बहुत अच्छा कन्वर्जन रहेगा, ठीक है। अब इतने सिंपल एग्जांपल मत याद रखना, तुम्हें तो कंसेप्ट पकड़ना है ना, तुम्हें कार्बोनिल दिखाई दे सी डबल बॉन्ड ओ, उसे किस में चेंज कर देना, एल्केन्स में। अब मैंने ये दे दिया तुम्हें, या पेपर में आ गया हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में, अब तुम कहोगे ऐसा तो कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, पहचान ही नहीं पा रहे, तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ, तो चेंज कर दो इसको, ओ तो चला जाएगा, क्या आ जाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन आ जाएंगे, बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो एग्जांपल्स बहुत सारे, एग्जांपल्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, तुम्हें तो बस कंसेप्ट पकड़ना है कि सर अगर हमें ये दिखाई दिया तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पर रख दिया मैंने ZnHgHCl, क्या बन जाएगा, बोलो भाई, CH2CH3, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पहचानना है, एल्डिहाइड और कीटोन, पहचान लोगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, कि रियलिटी में हो कैसे रहा है, ठीक है, ये मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक, जब तक हमने इसके मैकेनिज्म को नहीं समझा है। तो चलो देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो हमारे पास है एक कार्बोनिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, चलो R C डबल बॉन्ड O R, HCl लिया हुआ है तुमने, HCl क्या देगा तुम्हें, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव,
एच पॉजिटिव मतलब उसे इलेक्ट्रॉनों की नीड है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? आर सी, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, और ये आर। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो कहेगा मैं प्लस चार्ज नहीं रखूंगा, मुझे इलेक्ट्रॉन वापस दो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर? कार्बन को, क्योंकि वो तो कह रहा है मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी हालत में, तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, कार्बन के पास कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर आएंगे जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लेकर, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ जरा? कार्बन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्लियर है? देख लो ढंग से, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब हमें एच पॉजिटिव आयन्स की तो कोई कमी है नहीं, तो दे दो एच पॉजिटिव आयन, जब कमी है नहीं बता रहे हो तुम लोग, तो ये एच, ये आर, और ये ओ एच। इसके बाद अभी भी तो एच पॉजिटिव आयन बहुत सारे हैं हमारे पास, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, एस सी एल लिया हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन इसे, तो ये क्या बन जाएगा? आर सी एच आर, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आ गए, ओ एच टू। तो कुछ दिखाई दे रहा है? बाहर जाने वाला है H2O, लिविंग ग्रुप बन गया ना, बढ़िया है ना, बाहर जा सकता है, तो इसे भेज देते हैं बाहर। अब ये बाहर जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन बेचारा फिर पछताएगा, है ना, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? जिंक। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, कार्बन को देगा, और ये बाहर चला जाएगा, तो ये आर एच आर, और कार्बन पे फिर से कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा? एच पॉजिटिव, ठीक है, तो एच पॉजिटिव को फिर पकड़ लेगा, ठीक है, तो कह रहा है मुझे छोड़ के जो जाओगे तुम बड़ा पछताओगे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा अच्छे से पता है, क्लियर हो गया? आर सी एच टू आर, ठीक है। तो क्या हुआ मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कीटोन है या एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर और इसका तो कोई काम ही नहीं था ना यहाँ पर मैकेनिज्म में, एच पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन चाहिए थे दे दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसे इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ये जिंक आएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तभी तो रखा था हमने जिंक, जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके सेंटर पे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। फिर एच पॉजिटिव इसको दे दोगे, फिर एच पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, ओ एच टू, लिविंग ग्रुप बन गया, कौन बाहर हो गया यहाँ से? एच टू, फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर नेगेटिव आ गया, एच आ गया, और फाइनली आपका आंसर आ गया है आर सी एच टू आर। बताओ भाई, आ रहा है कुछ फील अब, है ना? अब तो नहीं कहोगे रिएक्शन रटनी पड़ती है ऑर्गेनिक में, मैकेनिज्म है, लेकिन सारी मैकेनिज्म अगर तुम इन लोगों याद करने लगो तो तुम लोग सोच सकते हो कि कितनी डिफिकल्टीज आ जाएंगी, सडनली बोर्ड वाले कह देंगे सारी मैकेनिज्म आएंगी और तुम लोग अब मैकेनिज्म याद करो, तो सोचो क्या होगा, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म का खेल, तो क्लियर हो गया होगा, क्लेमेंसन बना लोगे। अब हम देखते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अब हेडिंग डाल लो वुल्फ किशनर रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन को समझते हैं चलो। तो अब हमारे पास रिएक्शन है वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो ये भी रिडक्शन है, तो मैंने पहले ही बताया था रिएजेंट बदलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहेंगे सेम, यानी कि काम इसका भी वही है, काम इसका भी वही है, बस पहचान अलग अलग है। तो इसकी रिएक्शन कराओगे पहले किसे कराओगे? NH2, NH2 से कौन होता है NH2? NH2 पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, हाइड्राजीन कहते हैं इसे, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाया था, NH2 हाइड्राजीन है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बेस लेंगे और एक सॉल्वेंट ले लेंगे, इथाइलीन ग्लाइकॉल, क्या नाम है सॉल्वेंट का? इथाइलीन ग्लाइकॉल, और इसके साथ इसको गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? तो तुम्हें पता ही है सर, सर हमें प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले रिएक्शन होगी NH2 से, फिर KOH से, इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल, देन वी हीट इट। अब कैसे हो रही है मैकेनिज्म उसकी बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लें पहले, चलो देख लेते हैं। तो ये रहा आपके पास CH3 और ये रहा CHO, पहले रिएक्शन करा दी हमने किसकी? NH2 से, तो क्या बनेगा बताओ जरा? ये H2 और ये O चले जाएंगे बाहर,
जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो CH3H, सी डबल बॉन्ड NNH2, यही आएगा। देख लो वैलेंसी सबकी कंप्लीट है या नहीं है। सी डबल बॉन्ड NNH2, हाइड्राजीन से क्या बनता था? हाइड्राजोन। अब दूसरा स्टेप जो है वो है KOH, और उसके साथ सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, हीट करना है, और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3H और यहाँ पे CH2। अरे सर ये क्या हुआ? अरे मैकेनिज्म नहीं बताई ना अभी, ठीक है मैकेनिज्म करते हैं तो पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है। हमें तो स्टेप तो याद करा ही दिया है ना मैंने, पहला स्टेप भी तुम लोगों को आता है, ये सिंपल है। रिएजेंट तो याद ही रख रहे हो, यहाँ पे रिएजेंट रखो, बना दो प्रोडक्ट सीधे सीधे। अब मैकेनिज्म समझाते हैं होना कैसे, रिएक्शन पहचान लोगे ना, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास रिएक्शन कि एल्डिहाइड दिया हो या फिर कीटोन दिया हो, यहाँ पे CH3 रख दोगे तो कीटोन बन जाएगा, तो कोई भी दिया हो तो ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मैकेनिज्म की तरफ, फिर तुम लोगों को इसके लिए फील आ जाएगा कि कैसे हो रही है ये रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास जो है पहला स्टेप तो सीधा सीधा है, पहला स्टेप अभी समझाया भी था, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो H2O बाहर कर दिया था, और C डबल बॉन्ड NNH2। कहानी यहाँ से शुरू होती है, मुश्किल नहीं है, आसान मैकेनिज्म है, ठीक है। KOH क्या होता है? बेस। बेस किसको ढूंढेगा? H पॉजिटिव को, ठीक है। H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे से निकल सकता है, तो OH ने H को उठा लिया यहाँ से, ठीक है, किडनैप कर लिया इसे। तो सी डबल बॉन्ड NNH, एक हाइड्रोजन चला गया बेचारा, एच पॉजिटिव, बहुत दानवीर था, क्या देखे जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आया यहाँ पर, बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक। एच पॉजिटिव गया था तो घूम रहा होगा कहीं, तो उस एच पॉजिटिव को फिर से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, सी के पास एक आ गया एच, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, देख लो एक बार अच्छे से, निहार लो इसे। बेस आया, हाइड्रोजन ले गए यहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया था, H पॉजिटिव तो है फिर हमारे पास, तो H पॉजिटिव यहाँ दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, एक बॉन्ड बनने जा रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, क्योंकि अगर यहाँ बना दो तो चार बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो ये बॉन्ड आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब जब ये ब्रेक हो रहा है तो कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तो उसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम भी एक्सेप्ट कर लिया करो, ठीक है। अब फिर से कौन आएगा, KOH, बेस, इस हाइड्रोजन को फिर से निकाल दो, तो क्या बनेगा, एक H तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, एक और नेगेटिव आ गया। अब क्या करोगे, जैसे अभी किया था सेम स्टेप है, तभी तो कह रहा हूँ एक स्टेप सीखना है बस। ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बताओ मुझे ज़रा। देखो ये नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड तो खत्म ही हो गया, तो कौन बाहर हो गया, बोलो जल्दी से, कौन बाहर हो गया है, N2 नाइट्रोजन गैस बाहर। कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो H पॉजिटिव दे दो इसे, कोई कमी थोड़ी है हमारे पास H पॉजिटिव की, बन गया ये, देख लो। कुछ अजीब लग रहा होगा तो यहाँ पर लिख लेना CH3H, तो कुछ जाना पहचाना लगने लगेगा, CH3H सब जगह लिख लेना यार, ठीक है, CH3H, और फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3H। अब कुछ जानते हो इसे, अब तो सर हम पहचान ही लेंगे इसे, अब कौन सी बड़ी बात है, इतनी केमिस्ट्री तो हमें आ ही गई है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मैकेनिज्म थी, इसकी मैकेनिज्म आसान है, ठीक है। हाँ इससे पहले वाली मैकेनिज्म थोड़ा अजीब लग सकती है तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों ने मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाली रिएक्शंस कम पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये है इसका फंडा, क्लेमेंसन और वुल्फ का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ डायरेक्ट अपने नेम से आ जाती हैं, कई बार हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में आती हैं। कन्वर्जन कितना प्यारा है, देखो रिडक्शन करते अगर तुम एल्डिहाइड का LiLH4 से NaBH4 से, तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, ये तो डायरेक्ट एल्केन्स बना देता है। तो हाफ रिएक्शंस में ज़्यादा चांस रहते हैं, हाफ रिएक्शंस जो आते हैं एग्जाम्स में, और इस तरह से पूछेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन और वुल्फ।
तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करें।